अस्सलाम वालेकुम, इट्स कुज़ीन कलेक्शन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं रमज़ान के हवाले से आपके साथ ऑमलेट टोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप मेरे कहने पर ये बनाएं, आप देखिए कितनी मज़ेदार बनेगी। ऑमलेट का बैटर बनाने के लिए 3 खाने के चम्मच चॉप की हुई प्याज लें, 2 खाने के चम्मच चॉप की हुई शिमला मिर्च ले लें, 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर डालें, 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई बंद गोभी डालें, 1 चाय का चम्मच हरी मिर्च डालें, 2 खाने के चम्मच रेशा की हुई चिकन डालें, 1 खाने का चम्मच सब्ज धनिया, 1 चाय का चम्मच सब्ज प्याज कटी हुई डालें, 1 चाय का चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डालें। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक डालें, आधा चाय का चम्मच ओरिगैनो डालें, 2 खाने के चम्मच मैदा छान कर डालें। मैदा डालने से तमाम सब्जियां अच्छी तरह से ब्रेड पर स्टिक हो जाएंगी। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पहले 2 अंडे तोड़ कर डालें। इसमें टोटल 3 अंडे डलेंगे, लेकिन मैंने पहले 2 अंडे डाल लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो तीसरा अंडा भी ऐड कर दें। यहाँ मैंने 3 अंडे ऐड करके अच्छी तरह से फेंट लिया है। 3 स्लाइसेस ले लें। मैंने सैंडविच ब्रेड यूज़ की है, आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रेड पर चम्मच से तैयार किया हुआ ऑमलेट मिक्सचर लगाएं। ऑमलेट के मिक्सचर को ब्रेड पर चम्मच से लगाएं। अगर आप ब्रेड को अंडे में डिप करेंगी तो ब्रेड अंडे को सोक कर लेगी। इस तरह से ऑमलेट का मिक्सचर मैंने ब्रेड पे लगा लिया है। पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालें और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब एहतियात के साथ ब्रेड के स्लाइस को उल्टा करके इसमें रख दें, यानी जिस साइड पे हमने अंडे का मिक्सचर लगाया था वो साइड नीचे रखें। और अब ब्रेड की दूसरी साइड पर चम्मच से ऑमलेट का मिक्सचर लगा लें। एक साइड से जब ब्रेड स्लाइस कुक हो जाए तो इसकी साइड पलट दें। आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड से ब्रेड स्लाइस अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। हल्का सा प्रेस करते हुए इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लें। 1 से 2 मिनट में ये साइड भी कुक हो जाएगी। इसे तैयार होने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। अंडा तो 1 से 2 मिनट में ही तैयार हो जाता है। एक से दो मिनट के बाद ब्रेड स्लाइस तैयार हो गया है। अब इसे आप आराम के साथ निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार, आसानी से और झटपट तैयार हो जाने वाले ये ऑमलेट स्लाइस सहरी में आपके बहुत काम आएंगे। इसी तरह से झटपट अब आप दूसरा ऑमलेट स्लाइस भी तैयार कर लें। ये बनाने भी बहुत आसान है और इनकी तैयारी में भी कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन आइडिया है। इस अंदाज में बच्चे चिकन के साथ वेजिटेबल्स भी आराम से खा सकते हैं। सहरी और नाश्ते में तो आप झटपट ही इसको तैयार कर सकते हैं। टी टाइम और ब्रंच के लिए भी ये एक आइडियल तोहफा है। मेरी ये रेसिपी रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त आपके बहुत काम आने वाली है।
मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।